पंखे की स्पीड कम। अम्मी मेरी अम्मी, तुम जाए मेरी अम्मी, तुम जाए, मुझे पता है मुझे जाए, मैं पकड़ लूँगा मेरा जाया, मेरी अम्मी, परसों तुम जो मेरी अम्मी, कहाँ चले हो तुम, मुझे छोड़ मेरा अल्लाह, अल्लाह मेरा अल्लाह, अल्लाह मेरी अम्मी से मिला दे, मुझे मेरी अम्मी से मिला दे, मेरी अम्मी से मिला दे अल्लाह, मेरी अम्मी से मिला दे, मेरी अम्मी से मिला दे, मेरी अम्मी से मिला दो भैया, चला कौन परेशान कर रहा है उसको, चल पूरी ताकत से पूरी ताकत से आ, चल जल्दी, चला और जोर से, चला कहाँ से आया था, जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसको, जकड़ो कौन है उसको, जकड़ के मारने की तैयारी करो, मेरी अम्मी कहाँ है, मेरी अम्मी, हाँ चला चल पूरी ताकत से, खून डाले थे उसके आंग में, हाँ पूरी ताकत से और जोर से, जोर से और जोर से, जोर से लगा पूरी ताकत, जोर से और जोर से, जाने का हुक्म नहीं दिया मैं तुझे, उठ जल्दी नहीं तो पूरा खत्म करूंगा, उठ जल्दी जल्दी उठ, अल्लाह अकबर, उठ जल्दी उठ, ला इलाहा इल्लल्लाह, हां उठ जल्दी उठ, अल्लाह अकबर, अल्लाह उठ, जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसको, हां चलो उठ जल्दी उठ, अम्मी कहां है मेरी अम्मी, अम्मी कहां है, अम्मी कहां है, उसकी उंगली लो इधर हाथ पकड़ के, चलो उठ जल्दी उठ, जलाओ जरा उसके हाथ में तेजी से आग लगाओ, अम्मी का है, अम्मी हाँ चल बोल कहाँ से आया था, ये बच्चे को मारने वाले थे वो, हाँ मार दो बोले थे, कब मारो बोले थे, अम्मास में पुन्नम में, कब मारो बोले थे, अम्मास में पुन्नम में, हाँ बोल, जला उसके हाथों को जकड़ लो तेजी से, जकड़ लो उसके हाथों को, जकड़ो उसके हाथों को और तेजी से, हाँ चल बोल, हाँ कब मारो बोले, अम्मास में पुन्नम में, कब, हाँ चल बोल, कब मारो बोले उसको, अम्मास में पुन्नम में, क्या पूछा मैं जवाब, नाम नहीं बता रहा, हाँ नाम नहीं बता रहा, नाम ऐसा बोले, नाम नक को बता, बोले नाम ही नहीं बता रहा, नाम कहाँ से लाए थे, कब्रस्तान से लाए, मसनवाड़े से लाए, कहाँ से लाए,
कहाँ से लाए थे? अल्लाह हाँ बोल जल्दी बोल, सही सही बोल तो छोड़ देना तो पूरा मार के भस्म कर दूंगा। बोल पिलाओ उसको, बोल कौन भेजा था उसका नाम बोल सही सही। निंगलाओ कट करके, हटाओ मत गिलास, जलाओ उसके पेट में तेज से आग लगाओ। हाँ चल बोल। कहाँ से कब मारो बोले थे? अम्मास में पुन्नम में बच्चे को हाँ, और किस किस को मारो बोले उसके घर में से हाँ, और लगो तेज से आग, जल्दी वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी बोल बोल जल्दी। बाप का राज चल रहा धरती अभी तक परेशान कर रहा अंदर बैठ के हाँ। काय में मिला खिलाए थे बच्चे को हाँ, काय में तार तार क्या क्या रहता है तार मालूम नहीं। हाँ काय में खिलाए थे सही बोल, वो तार आता है हाँ। कैसा रहता वो खाने में, दिखने में कैसा रहता? लोहे का रहता। सही बोल, सही बोल रहा हूँ, लोहे का रहता है। क्या कर रहे थे? जब मस्जिद में गया था ये तो इनने वो खा लिया था वो तार का टुकड़ा खाया घर में गया झूठ बोल रहा नालायक, बाता बना रहा, पूरा जलाने लगा हूँ हाँ, राख करूँ पूरा जला के। सही बोल, सही बोल रहा मैं, तार का टुकड़ा खाया हमने, सही बोला। और तू कहाँ से आया उसके आंग पर? खबरस्तान से, मसनवाटिया से, कहाँ से? बोलना तो मैं तेरा दोनों हाथ काट के दे दूंगा, दोनों हाथ काट लूंगा मैं, जल्दी बोल सही सही। अरे क्या पूछा मैं जवाब कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, अब नहीं आऊंगा मैं। इससे पहले भी ऐसा बोल रहा था बोलते सब लोगों के पास में इलाज वालों के। कितने कितने इसके अंदर, ये देख लेना कितने शैतान है इसके अंदर, कितने उसके अंदर, कितने शैतान है उसके अंदर टोटल। अच्छा तो आओ नामा बदल बदल के उनको बेवकूफ बना रहा था सब लोगों को। अरे इसके आंख में नहीं आता मैं, ठहर देखो और मारने लगा था। अब बाहर रहेगा, अब इसे परेशान नहीं करूंगा मैं। अने इसे क्या क्या परेशान कर रहा था तू उसके घर में सब लोगों को, क्या क्या परेशान कर रहा था? ऐसा कर रहा था। परेशानी तो आती है, क्या कर रहा था तू, परेशान क्या कर रहा था उसको? जो पूछा उसका जवाब देने, तो अभी पूरा जला दूंगा, देखा ना कैसी आग लगाए थे, तो पूरे टुकड़े करा दूंगा। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तू मरे आला है जिन्ना थे? मैं अजी मालूम तो क्या? अल्लाह क्या पूछा मैं जवाब? जवाब मैं दे रहा हूँ, इधर लगाओ उसको दम करा के। जवाब दे रहा हूँ ये क्या वो लोग क्या लगा रही है? तो पूरा मार के भस्म करके डालिए ना यहाँ पे अब। अरे सही बोल, सवाल के जवाब देने, तो अभी मार के पूरे टुकड़े कर दूंगा। बुलाओ जंजीरा वालों को और उसको बन के डालने की तैयारी करो तेजी से। नहीं आऊंगा मैं, इसे परेशान नहीं करूंगा। परेशान तो नहीं करूंगा। अल्लाह अब नहीं करूं। इससे पहले भी ऐसा कुछ बोला था उन्हें? इससे पहले आए थे तो तीन चार को निपटा दिया थे, लेकिन उसके पास ही छुपा हुआ रहा, पेट पकड़ता या कभी गला पकड़ता, नमाज में सुस्ती करता। उसका पेट और गला कौन पकड़ रहे? कभी सीना दर्द, नमाज क्यों नहीं पढ़ने दे रहा था उसको? हाँ नमाज तो पढ़ नहीं,
नहीं पढ़ने देता बोल रहे ना लोग साथ के उसके। हाँ उसके भाई, उसके भाई ने भी कुरान शरीफ हाथ नहीं लिया पूरा रमजानों में, रोजे पूरा रखे, लेकिन उसका भाई कुरान क्यों नहीं पढ़ रहा, उस पर भी जादू टोना करे। घर में खिचात कौन करवा रहा, घर में किरकिरियां झगड़े करा रहे जादू टोना करा के, हाँ खत्म कर रहा। ये जादू टोना कौन कर रहा, जल्दी उसके नाम आवत فَعَصَفِرَهُنُ الرَّسُولَ فَأَخْدْنَا خَدْنَا مَبِلَ فَقَيْفَ تَتَّقُونَ انْكَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجَلُّ جَدَّنَ شِيبَ صَنْفَتْرُمْ بِيَخَيْ كَانَ وَدُّهُ مَفْعُولَ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَ إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَ فَمَشَيْ اتَّخَذُ اللَّهُ رَبِّ السَّبِيلَ إِنَّ رَبَّكِ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَخُمَ الضَّمِ السُّلُدَ الْبَنِي سُفُوبَ السُّلُسَ مَا طَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكِمْ والله يا خدار والله البنا حارج من لن توصف حتى بليكم فأقرم عدية من القرآن لما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضلا لله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فأقرم عدية من أقموا الصلاة وآتوا الزكاة وآخذوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم مجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. बोल कौन डाला था उसके अंदर, अब करेंगे दोबारा परेशान उसको? नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा। रोकेंगा उसको नमाज को जाने से? नहीं रुकूंगा। रोकेंगा उसको इबादत करने से, कुरान पढ़ने से वो रोकेंगा? नहीं अल्लाह। हाँ करेंगा उस घर में झगड़े किरकिरे लगेंगे आप? नहीं करूं। क्या काट दूं अभी पूरा? नहीं लगेगा उसको नहाने में टाइम, घर में बिठेगा नहीं लाते हुए उसको? जकड़ो उसके पैरों को भी, जकड़ लो तेजी, जकड़ो जकड़ो उसके पैर अभी, जकड़ लो तेजी से। हालत नहीं बनने दी, अब करेंगे उसको परेशान दोबारा? उल्टी में सारी दवा निकाल देना उसकी, उल्टी में और मोशन में सारी, जितनी भी खिलाए वाली है तो। नहीं खाया। सही सही बताओ उसको, कौन खिलाया था और कैमे मिला के खिलाए थे? कौन खिलाया था? वो औरत थी, आदमी था, कौन था? हा? कौन? हाँ कौन था? पहले खिलाया था। कब खिलाया था, कितना वक्त हो रहा? उससे कम हो गया होगा यार। कितना वक्त हो रहा? 10 साल हो गए। साल कितना हो गया? सही सही बता, जल्दी बताना तो पूरा जला दूँ। आऊंगा ही नहीं मैं तो। कितना? 7-1 साल। जोर से बोल, सबको सुने आना। मेरे साथियों ने खिलाया था, मैंने नहीं खिलाया। अच्छा तेरे साथी ने खिला के कितना वक्त हो रहा था? 7-1 साल हो गए। कितने बोल रहा हूँ? 7-1 साल बोल रहा है, मेरे को लग रहा है 10-1 साल हो गए इस बात को। बचपन में स्कूल जाता था ये। हाँ रे मेरे साथी सब मर गए। तेरे साथियां भी थे और सब मार दिया। कितने थे तेरे साथियां? पहले थे, अब वो सब खत्म हुआ। कितने थे? नाम यार। चल वो सब रिकाम बात छोड़, मुद्दे की बात बता, किसने खिलाया था? उसका नाम, नाम कौन था? वो ये बच्चे का रिश्तेदार, औरत थी, आदमी था, रिश्तेदार था, कौन था वो? हाँ बोल। सही बोल, गुस्सा मत दिला, नहीं तो पूरा काट के भस्म कर दूंगा अभी। ना लाया कभी, देखा ना कैसा जला रहा था तो? मेरे साथियों ने खिलाया था। उनका नाम कौन थे वो? इसके रिश्तेदार थे, औरत थे, आदमिया थे, कौन थे वो? जलाओ उसको जरा तेज, जलाओ। अम्मी का है। अम्मी का है। तेरे को अम्मा भी थी? मेरी अम्मी का है। शैतान को अम्मा भी है? वाह कौन है वो? मेरी अम्मी का है। कौन है वो, क्या नाम है उसका बोल?
चलो जरा उसके हाथा वाता जला दो, उसके जकड़ लो उसके हाथों को तेजी से, जकड़ लो उसके हाथों को और तेजी से जकड़ो, जकड़ लो वो हाथों को दोनों को तेजी से, जकड़ो जकड़ो और तेजी से जकड़ो, ऐसा जकड़ो उसके हाथा तोड़ दिए वैसे जकड़ लो, तेजी से जकड़ो, जकड़ो छोड़ो मत, जकड़ो तेजी से जकड़ो, जकड़ लो दोनों हाथों को जकड़ो उसके, तेजी से जकड़ो, हाँ जकड़ो और तेजी से जकड़ो, बोल तोड़ दूं वो दोनों हाथा, नहीं तोड़ दूं, नहीं जकड़ो उसके हाथों को और तेजी से जकड़ो, नहीं तेरे हाथा तोड़ने लगा देता हूं फिर तेरे को हाथा नहीं रहेंगे, तू उसके अंदर बैठ के रहे कितना परेशान करता कर उसको बगैर हाथों के, जकड़ो उसके हाथों को और तेजी से, जकड़ो उसके हाथों को और तेजी जकड़ लो, तोड़ दू पूरा, नहीं हाँ सुनने नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं तोड़ दू, दोनों हाथा तोड़ दू, वो करेंगे उसको परेशान, नहीं करूंगा, किसने डाला था इसके अंदर उसका नाम बोल सही से जादूगर का, बोल फिर तेरे हाथा छोड़ने लगा देता मैं, बोल बोलने तो तोड़ दूंगा दोनों हाथों को मैं, तोड़ू जकड़ो उसके हाथों को और तेजी जकड़ो, जकड़ लो उसके हाथा दोनों हाथों को जकड़ो तेजी जकड़ो, हाँ जकड़ो जकड़ो तेजी जकड़ो, उस पर रहम मत करो, उन लोगों पर रहम नहीं कर रहा, उस पर भी रहम मत करो, जकड़ो तेजी से, तोड़ दू बोल फिर सही से, बोल जादूगर का नाम बोल मैं छोड़ने लगा देता, हाँ बोल, हाँ बोल, बोलेगा अमीन आजा, हाँ जो क्या बोला अमीन आजा, मुझे भी अच्छा नहीं दिख रहा, दिख तेरे हाथ तोड़ने लगाने के वास्ते, फिर बाद बोला नहीं मैंने जुलूम करा, सही से बोला, हाँ बोल, अब परेशानी करो हाथ मत तोड़ो, हाँ हाथ मत तोड़ो, जोर से बोल मुझे सुने आना, मत तोड़ मेरे हाथ, क्या करना फिर तेरे हाथ तोड़ना के छोड़ना, बोल ठीक है चल मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, ठीक है अगली चक्कर में मेरे को आके सब सुनाना कि जादू किसने करा था, किसने मिला के खिलाया था, मेरे सब मालूम है, मगर मैं तेरी जबानी पूछना चाह रहा हूँ, तू मेरे को बना नहीं सकता, समझा ना नालायक, जैसा दूसरों को बनाया, तो सही सही बताना किसने मिला के खिलाया था, किसने जादू कराया था, कब इसको मारने आए थे और इसके घर में से किस किस को मारने आए थे, कौन लोग दुश्मन है, सारी दास्तान में को सब सुनाना याद करके आके दूसरे चक्कर में, ठीक है तो तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो तेरे हाथा भी तोड़ के ले लेता था मैं, चलो छोड़ दो उसके हाथा छोड़ दो, चल भाग नालायक भाग, जल्दी निकल के उसके अंदर से बाहर, क्या नाम है उसका, एजाज, हाथ पे पानी पकड़ो कैमरा, एजाज क्या हुआ, पानी डालो हाथ पे खड़े रह, पकड़ो सीधा, उधर ये कौन है, मेरा अब्बा है, वो कौन है, वही वो कौन है, वो पीछे बैठे वाले कौन है, तुम मेरे जीजा, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, जीजा, क्या काम करते हैं, काम चिकन का, चिकन का, अच्छा अच्छा मुर्गी की दुकान है, चलो ठीक है, अभी अभी कुछ सवाल जाओगे तो कुछ याद है क्या बात, अभी तो क्या होगा सवाल जवाब, मेरे साथ कुछ सवाल जवाब है याद है कि अंदर आए तो अभी बता दिया ना, क्या वो ने बताया ना, क्या मैं कुछ पूछ रहा था तो कुछ याद था कि अंदर आने के बाद में, मेरी अम्मी
वो तो स्टार्टिंग में बोले, उसके बाद में बीच में क्या पूछा मैं? पानी दो उसको पीने। बता देगा यो क्या उल्टी आई बस हमारा तक नहीं हो रही यो, पानी पियो जल्दी। ये जादू टोना करके छोड़े वाला शैतान था, ये लगे वाला शैतान नहीं है। हाथ धुसते इसके, हाथ धुसते इसके, अभी गया नहीं पूरा डंडा कर मेरे हिसाब से। ये वैसा नहीं जाता, इसके उतारे फितारे करके खत्म करना पड़ता है इसको। ये जाता नहीं, लगे वाला नहीं है। ये लगे वाला करता तो अभी एक मिनट में उसको रफा दफा कर देते थे। ये क्या बोल रहा था, मेरे को निकाल दो, मेरे को निकाल दो, फंसा के बिठाया वाला, उसको खिला के तो उसके पेट में है बैठा लाओ, तो उसके पेट में तकलीफ भी देता हूँ, इधर पकड़ता उधर पकड़ता इधर पकड़ता पकड़ता ना कलेजे के पास में, कलेजा भी फड़फड़ करता। और क्या होता, दिलों में दिल मतलब ऐसे ही बैठे हुए अपने घर, मेरा अब्बा बैठे हुए घबराहट में, घबराहट चल रही होती किसी से बात करो तो, बात करो ना तो घबराहट चल रही होती है। वो खिला के करके बिठा रहा था, लगे वाला शैतान नहीं, लगे वाला कर रहा था तो बीक में रखा था, ये खिला वाला है। इसके अंदर बैठ के कलेजा पकड़, कभी पेट पकड़ ऐसा फिरता रहता, अंदर तकलीफ देता रहता, वो फंसे अंदर, उसको निकालना पड़ता। कुछ सामान मैं लिखा के दूंगा, वो दुकान से लाना, वो इसके ऊपर से उतार के घर को लेके पूरा जाना, और घर पे रोज जला के अमल करना। जैसे घर से जला के अमल करेंगे कि उसको ऑटोमेटिक ऐसे जमा होगा, और जमा के उसको उल्टे आऊंगे भड़ भड़ भड़, और संडास होकर दवा पूरी निकल के चली जाएंगी। मान लो दूसरी बार में उन्हें आएंगा ना आके सबके नाम बोल के रफा दफा होकर खत्म हो जाएगा। चलो इंशाल्लाह। और दूसरी बात ऐसा है कि अगर कोई जिन्नात कोई शैतान अगर होता, कौन से वाला लगे वाली झपट, तो उसको अभी एक मिनट में रफा दफा हो जाता तो खत्म। वो आता जाता पेशेंट को पूरा याद नहीं रहता, खाली वो कितना आता हो वो आके का तो उसको कुछ ही याद नहीं रहता, कुछ ही याद नहीं होता। ये जो इसको याद है तो अंदर से बाधा कर रहा है, इसकी जबान पकड़ के बैठ के इसका दिमाग काम कर रहा, मगर इसकी जबान पे कंट्रोल शैतान का है। उन्हें सवाल जवाब जो चल रहे थे उन्हें कर रहा था, इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद है। नहीं अभी मैं कुछ सामान लिखा के दूंगा, वो तुम्हारी दुकान से लेना लाना है, फिर मैं इसके ऊपर से वो उतार के दे दूंगा, वो तुमने घर को पूरा सामान अपना अपना लेके चले जाना और अमल करना, और वहाँ वहाँ के उतार के दूंगा, फिर मैं यहाँ से उतार के ले जाना पड़ेगा ना इसके से, तो अभी लिखा कर देंगे। उसके बाद फिर तुमने जैसा अमल करेंगे कि घर पे ऑटोमेटिक उल्टे आएंगे, ऑटोमेटिक संडास लगेंगे, पूरा रफा दफा हो जाएंगे। खर खर हो रहा, पकड़ जैसा हो रहा, वो अंदर बैठे वाला है ना, तो वो कर रहा ना अभी उसको मार पड़ी, तो निकलने की तैयारी कर रहा हो, तो उसको आ रहा नहीं निकलने, उसको कमजोर करा के बाहर खींच के फेंक देना पड़ता। चलो अभी और क्या हो रहा, अभी तो कहीं नहीं हो रहा, गला भी मतलब बोलने में अच्छा लग रहा खराश थोड़ा है, निकल जाता वो सब निकाल देते, पूरा निकाल देते, ये सब पूरा तुम्हारे रिश्तेदारों ने क्या लगाए थे, कौन लगाए थे, वो आगे जरूरत पड़ी तो सब नाम है कुछ उसको और अंदर से मारो उसको और जकड़ के उसके पेट में से तेजी से निकालो, मारो उसको और। पहले कभी उल्टी हुई क्या उसको? नहीं। नहीं, कितने सालों से परेशान था उन्हें? कितने साल से परेशान था? हम वो परेशान होगा 8 साल से। 8 साल में कभी उल्टी होके कुछ निकला ऐसा? नहीं, पहले ऐसा जब तबीयत खराब हुई थी जब से करा करता था ये। देखो दुआ का पानी ताबीज का पिलाते, इसका से निकल रहा लग कर मुझे। निकालो उसको और मारो। आप कौन है उसके बच्चे के? अब्बा। अच्छा, ये YouTube पे जाएंगा ये परमिशन है आपका ये डालने का? बोलो
इधर देख के बोलो जी, डाल सकते परमिशन है आपका? नहीं, हमारा परमिशन है, यूट्यूब पे डालो। ठीक, निकालते रहो उसको, मारो और तेजी से। आप कौन होते बच्चे के? अब्बा। एक बार बोलो, डाल सकते परमिशन है? जी, हमारी तरफ से इजाजत, डाल दो यूट्यूब पर। यूट्यूब पे। चलो आप निकलो बाहर, निकालो और खींचो उसको, मारो उसको और तेजी से। अभी डालो उसकी पेट में पानी डालो, वो पीछे गया वालों को सांप सुन के गा गया देख के, हल रहे ना डुल रहे, फटाफट पानी पिलाना पड़ता, सब करना पड़ता, घट करके निकला उसको। हाँ इधर लाओ, दम तो करा के लेना करता ना, वैसा तो घर का पानी पिलाए, जिंदगी भर पिलाए दूसरे मौलाना को पानी, कुछ इतने वहाँ फायदा, यहाँ पी भी बगैर दम करे पिलाए तो फिर क्या होगा फायदा। और पानी तो बहुत ही लाए, सुनार के दुकान से लाए पैसा। खींचो खींचो बाहर खींचो, बहुत मार पड़ने वाली उसकी, जो है जल्दी निकलने की तैयारी कर रहा हूँ उसको, निकालो बाहर जल्दी, खींचो उसको और खींचो, मार के खींचो। ओए जाके और एक बॉटल लेके आओ दुकान से पानी की। आदिल बाहर से बॉटल। तीन बज रहे रात के। हाँ गिलास में डालो पानी, बॉटल फोड़ के। खींचो उसको और मार के अंदर से, खींचो पेट में से, मारो उसके दन के दो उसको खूब। मारो उसको और मार के खींचो उसको बाहर। नीचे एक बूंद भी गिरना नहीं, बराबर पन्नी में पकड़ना पड़ता, अगर एक बूंद भी जमीन को टच हुई कि बंद हो जाता गिरना। चकड़ो उसको और तेजी से। निकल रहा हूं मैं। हाँ निकल निकल और मारते अंदर, मारो उसको मारो। हाँ निकालो उसको खींच के और तेज से बाहर। चल हाँ निकाल, इधर लगाओ उसके नाक में दम करा के। पीठ पे नाक में। पीठ पे। चल जल्दी बाहर।
देखे क्या पूरा नस नस में बैठेला भीन के, वो पूरा नस नस में से जमा होकर खींचना पड़ता। अभी तो आगाज होगा अल्लाह के करम से, अब देखो अभी कैसा होता। तो पूरा ये जैसे जैसा उल्टे होंगे, जैसे जैसे मोशन लग के सब निकल के जाएंगे, वसा वसा उसकी तबीयत सुधरना चालू हो जाएंगी दुरुस्त अल्लाह करम से। और क्या बोलते हैं तो वो जैसा 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 सब होंगे पूरा मला, वैसे वैसे वो अंदर से कमजोर होके पूरा ऐसा निकलते जाएंगे उल्टियाँ होके वो सब। चल रहे जल्दी बाहर निकाल, जैसा मैंने उतारे का नाम लिया कि कैसा उन्हें घबरा के निकलने की तैयारी करा रिटर्न आके। तो ऐसी उतारे में खास बात है, क्योंकि मालूम है उसको पूरे उसकी शक्तियां भस्म हो जाते। फिर चल दे, चल बाहर, चल बाहर। कितना निकला, क्या निकला बताओ। लगाओ उसके लग। मारो उसको और मारो उसके पेट में जकड़ के जरा खूब मारो। चालू होगा मुसलसल अल्लाह करम से, तरीका भी ऐसा तरीका सब इलाज में उसको उल्टे होंगे मोशन लगेंगे, सब दवा निकल के देंगी। घर पर जाने के बाद भी उसको उल्टे होंगे मोशन लगेंगी, दो वो दवा निकल के देंगी। जैसा उसके आंग में हाजिर होने की उन्हें कोशिश करेंगे, अंदर ही बैठे हाला है ना, पहले बोला था उसके पेट में भाग रहा इधर उधर, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पानी वानी पिलाओ, उसका अमल वो सब कराओ जो मैंने लिखा दिया वो, वो सब अमल वो कराओ। वहां पकड़े थे ना अभी उसको, लड़ा के मार रहे थे पुलिस से, तो अभी जकड़े थे, जकड़ के निकाल ली कुछ खबरस्तान में फेंक के जाना, रस्ते में तुम्हारे खबरस्तान लगता उसमें डाल देना, किसी खुद डालने में कर देना कुछ और कुछ नहीं, फिर गाँव के बाहर छोड़ देना जाते जाते, जैसा गाँव खत्म होगा शिव लग गया छोड़ देना उसको। जैसा एक दूसरों को नहीं करना है, जादू टोने खिला रहे कर रहे, ये सख्त मना है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो जादूगर के पास जाता या जो जादू करता वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, और जादूगर भी हमें से नहीं है। और दूसरी बात के जादूगर के पास जाने वाला भी हमें से नहीं है, बोले हमें से नहीं है, हमें से नहीं है, हमें से नहीं है, और मैं उसकी हश्र के दिन शिफात नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों तुम ऐसा जा रहे, क्यों एक दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे, क्यों ऐसे खानों में डाल रही है, गलत बात है। अल्लाह पे सोपो, अल्लाह ने तुम्हारे दो हथियार दिया, ले दो हथियार तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास में ऐसे है दो हथियार, एक दुआ और बद्दुआ। अगर तुमको कोई परेशान कर रहा तो उसके हक में बद्दुआ करो, तुम अल्लाह फैसला देने वाला है। अगर तुम्हारे को कोई अच्छा काम करा तो उसको दुआ दो, और दुआ का अपोजिट बद्दुआ दिया लिए। तुम जादू टोना नहीं कर सकते, जादू टोना अगर तुम करेंगे तो शैतान के साथ में जाके तुम शामिल हो गए फिर, क्योंकि वो शैतान ही वसवसे, वो शैतान की गेम होगी इधर की। तुमको इधर अल्लाह की राह में दो चीजें दिया ले, दुआ और बद्दुआ। बद्दुआ भी तुम्हारे को मत करो बोले अल्लाह किसी के हक में, क्योंकि अगर बद्दुआ किसी के हक में कर दी और बद्दुआ चली गई, दुआ को जमीन और आसमान के बीच में रोक दिया जाता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है कि दुआ के साथ में अगर दरूद शरीफ नहीं रहा, दुआ के साथ अगर दरूद शरीफ नहीं रहा तो दुआ को जमीन और आसमान के बीच में रोक दिया जाता। मगर तुम्हारे को एक बद्दुआ ऐसी चीज दी वाली है कि डायरेक्ट अर्श पे जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, डायरेक्ट अर्श पे अल्लाह के सामने। तो इस वास्ते तुम ऐसे ऐसे जिंदगी किसी की खराब मत करो, क्योंकि तुम उसको ऐसे लोगों की जिंदगी एक दूसरे पे जादू टोने करके खराब कर रहे, तो तुम उसकी तो जिंदगी जितनी हो रही खराब हो रही, मगर उसका जो भी उन्हें जितना झुलसा जितना भी परेशान हुआ उसका अजर अल्लाह उसको हशर के दिन देगा, कयामत के दिन देगा, हशर के मैदान में देगा। मगर तुम्हारे उत्तर आजाब में घिरेगा ना, फिर तुम्हारे जहन्नुम का फैसला दे दिया अल्लाह ने, डाल दो जहन्नुम में बोल के, फिर तुम क्या करेंगे,
जाना पड़ता था जहन्नम में, कौन बचाने था तुम्हारे को, क्योंकि शफाअत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करने वाले तुम्हारी। हाँ अगर बद्दुआ कर दिए तुम तो बद्दुआ में ये खास बात रहती कि बद्दुआ सिर्फ हक पे जाके लगती, ना हक तुम किसको बद्दुआ करो नहीं लगती। अगर कोई ने तुम्हारे को वाकई में परेशान करा और सताया तो उसको हक पे जाके फिर बद्दुआ लगती, फिर अल्लाह उसको आजाब में घेरता, तुमने अल्लाह पे सौंप दिया और अल्लाह फिर उससे बदला लेता। तुम बदला लेने को मैदान में जा रहे बड़े जहां मर्द बन के, तुम जादू टोने कर रहे, अरे तुम अपनी आखिरत बर्बाद कर दे रहे। इस वास्ते हदीसें पढ़ो, कुरान पढ़ो तो सब बातें समझ में आएंगा, और कुरान की रस्सी को मजबूती से थामो, नमाज पढ़ो, और नमाज और कुरान, और घर में तुम मोबाइल में पिक्चरा देख रहे 6-6 घंटे 7-7 घंटे, अब तो ये दौर ऐसा होगा कि मोबाइल में जो लग रहे जरा 24 घंटे में से कैलकुलेशन करके देख लो कि तुम्हारा कितना टाइम मोबाइल में बर्बाद हो रहा। मगर तुम कुरान पढ़ेंगे नहीं, हदीस सीखेंगे नहीं, घर में हदीस की तालीम नहीं देंगे, तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या रिवायत है, क्या दीन, क्या इस्लाम, सब भूल के बैठ गए तुम, खाली मोबाइल मोबाइल ये कुरान शरीफ को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता है, क्या मामला है इसका? वो जो इसके अंदर का जो बटियाला शैतान हो रहा, उसको भी होंगे कुछ दास्तान, वो इतने करने देते। शैतान जादू टोना तुम पे चलने से पहले से अगर तुम इबादत करे तो अल्लाह तुम्हारा बचा लेता। अल्लाह अपने बंदे को, इबादत करने वाले बंदे को ऐसा देखता जैसा तुम रई को हथेली में रख के देख रहे, रई के दाने को ऐसा देखता अल्लाह। और तुम अगर इबादत बाद में करेंगे जादू टोना चलने के बाद, तो फिर तुम्हारे को अल्लाह क्या बोलते, तो जादू टोना तुम समझो, अगर तुम इबादत करने में लेट करेंगे और तुम पे जादू टोना चल जाएगा, और उसके बाद तुम ऐसा सोचेंगे कि हम जादू इबादत करके जादू टोना हटा देंगे, तो तुमको शयातीन इबादत करने नहीं देते, कुरान के करीब नहीं जान देते। मिसाल हजारों मिसाल है मेरे वीडियो में, और एक मिसाल देखना है तो वो देखो वहां बैठा है, उसको भी कुरान नहीं पढ़ने दे रहे, उसके अब्बा बोल रहे, उसको भी कुरान पढ़ता नहीं, इबादत करता नहीं, बोले तो उन्हें दिल से नहीं पढ़ता, दिल से नहीं करता नहीं, वो अंदर के शयातीन नहीं करने देते। पहले तो पढ़ता था मानो, इस वास्ते कंटिन्यू में रहो तुम मुसलसल इबादत करते रहेंगे तो तुम्हारे पे अगर कोई उस दौरान में इबादत के दौरान जादू टोना को चला दिया तो अल्लाह तुम्हारा हिफाजत करने वाला है, अल्लाह तुम्हारी ऐसी हिफाजत करता कि उसका जादू टोना तुरंत पलटाने लगा देता। और तुम जादू टोना चलने के बाद इबादत करने के रास्ते पे जाएंगे फिर नहीं जा सकते, पटरी पे चढ़ने नहीं देते तुम्हारे शैतान वो पटरी पे इबादत की। इसलिए बहुत बातें हैं बताने के लिए, मगर क्या बोलूँ, मुख्तसर स्वास्थ्य बोल दिया थोड़ा बहुत, वैसे भी ये पेशेंट रात में अभी 3 बजे देख रहा हूँ मैं, अब क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने को भी अल्फाज नहीं, दिन भर से ऑलरेडी मैं थका लड़ता, मगर वो भी इमिडिएटली आया था ना, तो उनको भी तो देखना पड़ेगा, तो सिर्फ रात में इतना देख के 3 बज रहे अभी। चलो खैर, अल्लाह के करम से क्या बोलते, तो इबादत की रस्सी को मजबूती से था, बाकी बस इससे ज़्यादा करने बोलूँगा। चलो अब उसका क्या बोलता हूँ, मैं लोग कराऊँ उस गाँव के बाहर फेंक दो।